हाय गाइस, शायद इसे इन्फिनिक्स स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने अपना स्मार्टफोन नोट 5 दुबई में लॉन्च कर दिया है। इन्फिनिक्स नोट 5 दुबई के अलावा पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मार्केट में जल्द ही अवेलेबल होगा। दोस्तों, आज मैं बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में, मुझे इनविटेशन मिला है। नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, इन्फिनिक्स के नाम से एक ब्रांड है जो कि अपना फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है, चलें यहाँ अंदर चलते हैं। इन्फिनिक्स नोट 5 दुबई की मार्केट में सबसे पहले मेरे पास आ चुका है और अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये स्मार्टफोन दुबई में दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। इसमें से एक 32 GB स्टोरेज और 3 GB रैम के साथ लॉन्च हुआ है और दूसरा नोट 5 64 GB स्टोरेज और 4 GB रैम के साथ लॉन्च हुआ है। तो आइए इन्फिनिक्स नोट 5 की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 5 मेरे पास ब्लू कलर में। तो मोबाइल को हम रखते हैं साइड पे और बॉक्स में देखते हैं इसमें क्या है। तो आपको मिलता है इसके साथ एक सिम कार्ड इंजेक्टर, सिलिकॉन कवर, हैंड फ्री, यूएसबी केबल और फास्ट चार्जर। Put a 6-inch display into a smaller body. What Note 5 do? We increased battery life. The Infinix Note 5 will come with monthly security updates for up to 3 years. तो ये है इन्फिनिक्स नोट 5, पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इसका डिस्प्ले 6 इंच 18:9 वाला है। इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है जो कि लो लाइट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसका बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जो कि डे और लो लाइट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इस मोबाइल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी मोबाइल बैटरी 4500 mAh है जो कि 3 दिन आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इस साइड पे पावर बटन है, वॉल्यूम का बटन है और सिम ट्रे है और दूसरी साइड पे भी कुछ नहीं, इस साइड पे भी कुछ नहीं और इधर स्पीकर है इसका और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट और यहाँ हैंड फ्री लगाने के लिए स्पेस है। इस फोन की बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफी फास्ट वर्क करता है। चलें देखते हैं इसका डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर कैसा है। इसका लॉन्ग डिस्प्ले और शाइनी शाइनी बॉडी है इसकी, न्यू लुक में आया ये फोन। और इसका डिस्प्ले तो काफी अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इसके अंदर सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 1 चल रहा है। बिलाल से एक सवाल करने लगा हूँ, तो चले आए देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलता है। यार दुबई की मार्केट में अभी इन्फिनिक्स उस तरह गेम नहीं कर सका जिस तरह पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत जगह बना लिया है। दूसरी बात यह है कि मुझे इसकी प्राइस स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से मुतासर, मुझे अभी दुबई की प्राइस एग्जैक्टली नहीं रही गई। पाकिस्तान में ये 25,000 में आया और 25,000 के हिसाब से 4 GB रैम और 64 GB जो है वो एक इसका अच्छा फीचर है। दूसरा इसकी बैटरी, क्योंकि इसके अलावा बाकी फीचर जो है वो दूसरे फोन भी दे देते हैं आपको। तो अगर आपको बैटरी लाइफ चाहिए होगी आप इसकी तरफ आएंगे, या बहुत ज़्यादा मल्टी टास्किंग चाहिए होगी इस बंदे को, तो वो 4 GB रैम हो जाएगा। उसके अलावा कंपटीशन बहुत टफ है पाकिस्तान के अंदर भी, हवावे काफ़ी स्ट्रॉन्गर कंपटीशन दे रही है, लेकिन ये भी जगह। इन्फिनिक्स नोट 5 2 या 3 जुलाई से आपको पाकिस्तान में 25,000 रुपीज़ का मिलेगा। सो ये फ़ोन आपको पाकिस्तानी ऑनलाइन स्टोर GoTo से मिलेगा। अगर आप इन्फिनिक्स नोट 5 के मुतालिक कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात दे सकूं। आज तक के लिए इतना ही। शाहिद दुबई वाले का सलाम।